हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर क्या होती है? पैलिएटिव केयर का मतलब होता है शांति देने वाली केयर, यानी कि किसी की बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो अपन उसको कैसे शांति दे सकते हैं या फिर साइकोथेरेपी दे सकते हैं, कैसे करके अपन उसको शांति दे सकते हैं। इसका मतलब मीन्स तो होता है प्रशासनात्मक देखभाल या फिर शांति देने वाली केयर। तो चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं न्यू डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँचाई आप मेरी न्यू वीडियो देख सके। तो चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैलिएटिव केयर इज द एक्टिव होलिस्टिक केयर ऑफ पेशेंट विद एडवांस प्रोग्रेसिव इल, मैनेजमेंट ऑफ पेन एंड अदर सिम्टम्स एंड प्रोविजन ऑफ साइकोलॉजिकल सोशल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट इन पैरामाउंट। यानी कि अपन उसको प्रोविजन कर सकते हैं साइकोलॉजिकल सोशल एंड स्पिरिचुअल तीनों के तरीके से अपन उसका यूज करके अपन उसको केयर दे सकते हैं। द गोल ऑफ पैलिएटिव केयर इज ए अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। मेनी एस्पेक्ट ऑफ पैलिएटिव केयर आर आल्सो एप्लीकेबल अर्ली इन द कोर्स ऑफ द इलनेस इन कंजंक्शन विद अदर ट्रीटमेंट। पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट दैट इनहेंस कंफर्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ लाइफ। द एक्सेप्ट आउटकम इज रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स, द ईजिंग ऑफ पेन एंड एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि जिस पेशेंट की या तो डेथ होने वाली हो या फिर जो लास्ट स्टेज पे सफ़र कर रहा हो, जैसे कैंसर के लास्ट स्टेज पे सफ़र कर रहा हो, उसके घर वाले परेशान हो या फिर वो खुद परेशान हो, तो उससे क्या होता है उसकी डेथ जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर अपन उसको पैलिएटिव केयर देकर उसकी मतलब लाइफ कुछ बढ़ा सकते हैं, अगर उसके अंदर जीने की इच्छा रहेगी तो शायद कुछ दिन और जी ले। लेकिन अगर वो पहले से डिप्रेस रहेगा कि मैं मरने वाला हूँ तो जल्दी मर जाएगा। तो ये पैलिएटिव केयर में यही करते हैं अपन, उसको साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल मेंटल कैसे भी से हेल्प करके अपन उसको पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करवाते हैं। सो गाइस, प्रिंसिपल ऑफ पैलिएटिव केयर देख लेते हैं अपन। अब फोकस ऑन क्वालिटी लाइफ, ये जो यहाँ पे लिखा है होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? सारी केयर, मतलब उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सभी केयर होती है, उसको सबको मिक्स करके कर अपन एक केयर का नाम बोलते हैं, वो है होलिस्टिक केयर। तो अब इसके जो प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल का मतलब है फर्स्ट, फोकस ऑन क्वालिटी लाइफ रादर देन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि फोकस करना है उसकी क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करवाने पर। फिर लाइफ अफरिंग बट डेथ एक्सपेक्टिंग, यानी कि उसको ये बताना है कि तुम अभी और लाइफ जी सकते हो, ये नहीं बताना कि तुम जल्दी मरने वाले हो। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल्स, यानी कि हर लेवल में इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज करना, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। यानी कि अगर आप उसके बोल रहे हो कि आप अभी और ज़िंदा रह सकते हो, ये नहीं, ऐसे नहीं बोलना कि आप मरोगे जल्दी, उसको और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। ऐसे नहीं कि आप कभी भी मर सकते हो, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है कि आप अभी और जी सकते हो, अगर आप चाहो तो कोशिश कर सकते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। फिर है होलिस्टिक मल्टीपल प्रोफेशनल अप्रोच, यानी कि प्रोफेशनल अप्रोच करनी है उसको होलिस्टिक, बहुत सारी। फिर केयरिंग अबाउट द पर्सन एंड दोज हु मैटर टू दैट पर्सन, केयरिंग करनी है उसकी। फिर फिलोसॉफी ऑफ पैलिएटिव केयर शुड बी अवेलेबल टू एनी बॉडी विथ ए लाइफ थ्रेटिंग इलनेस, यानी कि उसको नहीं बताना कि ये लाइफ थ्रेटिंग इलनेस है। फिर फोकस ऑन केयर ऑफ इजी क्वालिटी ऑफ लाइफ विथ द एनाटॉमी एंड चॉइस ऑफ द पेशेंट बींग अपहेल्ड, केयर इज एविडेंट टू बोथ द पेशेंट एंड दोज हु मैटर टू बी हिम हर। फिर ए वॉल सिस्टम अप्रोच इज मेड वेन प्लानिंग केयर विद द पेशेंट, यानी कि पेशेंट की प्लानिंग करनी है कि आप ऐसे और जी सकते हो। फिर पैलिएटिव केयर शुड बी डिलीवर्ड बाई एनी हेल्थ सोशल केयर प्रोफेशनल इन केयर सेटिंग पेशेंट चूजिंग, यानी कि पेशेंट को आपको देख कर चूज करना है कि आप उसको होलिस्टिक केयर में कौन सी केयर प्रोवाइड करवाना चाहते हो। फिर पैलिएटिव केयर शुड बींग एट डायग्नोस्टिक ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कंटिन्यू थ्रू टू डेथ प्रिवेंट। स्पेशलिस्ट पैलिएटिव केयर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्योर सर्विसेज डेवलप्ड यूजिंग मल्टी प्रोफेशनल टीम विथ स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन पैलिएटिव केयर। स्पेशलिस्ट पैलिएटिव केयर इज नीडेड बाय ओनली ए माइनॉरिटी ऑफ पीपल विथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ये देखो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है पैलिएटिव केयर, उसके हाथ पकड़ के उसके साथ में, मतलब उसका साथ देना, हाथ पकड़ के। फिर पैलिएटिव केयर इश्यूज में क्या क्या है कि इश्यू आ सकते हैं? इन्फॉर्मेशन नीड्स, यानी कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, तभी आप उसको केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे बींग ट्रीटेड एज ए ह्यूमन बींग, यानी कि उसको अच्छे से ह्यूमन मानकर ट्रीट करना है। फिर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट करवाना उसका। फिजिकल नीड्स, फिजिकल नीड पूरी करनी है उसकी। कंटिन्यूम ऑफ केयर,
फिजिकल नीड्स का मतलब हो गया उसको जो मतलब वॉशरूम वगैरह जाके आना है तो वहाँ पर आपको मतलब उसको प्रोवाइड करवाना। फिर साइकोलॉजिकल नीड्स प्रोवाइड करवानी है, सोशल नीड्स प्रोवाइड करवानी है, स्पिरिचुअल नीड्स प्रोवाइड, और उसके घर वालों को बताना है कि आप ये इसको नीड्स प्रोवाइड करवाना है। टीम मेम्बर्स में कौन कौन होता है पैलिएटिव केयर के, कंसल्टेंट इन पैलिएटिव मेडिसिन यानी कंसल्टेंट होना चाहिए यानी डॉक्टर, 3 क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट होने चाहिए, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होना चाहिए, सेक्रेटरी होना चाहिए, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट डाइटिशियन होना चाहिए, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट फार्मासिस्ट। गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आ गया होगा पैलिएटिव केयर क्या होती है, पैलिएटिव केयर में क्या करते हैं अपन, उसको अगर वो लाइफ मतलब उसकी डेथ होने वाली तो उससे पहले जो केयर प्रोवाइड करवाई जाती है, या फिर पैलिएटिव केयर जो कि मतलब उसको पेन को रिलीव करने के लिए जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसको पैलिएटिव केयर कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो दे सकें। और आपके कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपके पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।